goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रैगो गेमिंग। आज हम लोग एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं लाइफ इज स्ट्रेंज, और ये लाइफ इज स्ट्रेंज एपिसोड 1 पार्ट 4। हाँ, मैं जानता हूँ वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया, मतलब 3 महीने हो चुके हैं पार्ट 3 का आए हुए, पर यार आप जानते हो जब मैंने पार्ट 3 अपलोड करा उसके बाद से मेरे चैनल के साथ क्या सीन हुए थे, इस वजह से बहुत टाइम लग गया। तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड रिकैप दे देता हूँ ताकि सब लोगों को एक बार याद आ जाएगी क्या हुआ था। तो पार्ट 3 में हुआ था बेसिकली, हमें लोगों को एक पेन ड्राइव ढूंढी थी जिसने एक एक्चुअली बेसिकली स्कूल में एक बच्चा है जो गन लेकर आता है, वो क्लोइ की आई मीन मैक्स की बेस्ट फ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत बिहेव कर रहा है, मतलब वो उसको मारना चाहते हैं बेसिकली। तो उसी को और उसने मार भी दिया था, लेकिन मैक्स के पास एक सुपर पावर है टाइम को रिवाइंड करने की। तो मैक्स ने टाइम को रिवाइंड करके अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोइ को बचा लिया था। तो उसी लड़के की हिस्ट्री ढूंढने के लिए, आखिर वो उस लड़के के पास गन क्या कर रही है और आखिर उसका दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो क्लोई आई थी एक गर्ल्स डोमेंट्री में ताकि वो एक पेनड्राइव ढूंढ सके अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए, कुछ कर सके ताकि पता चल सके आखिर पूरा मैटर क्या है। तो हम उसी पेनड्राइव को लेकर हम आज बाहर आए हैं, और आते हुए हमें रास्ते में यहाँ पर ये सीन दिखाता जहाँ पर ये लड़के खेल रहे थे, लेकिन गलती से इस लड़की को बॉल लग जाती है। तो मैक्स यहाँ पर टाइम रिवाइंड करके सब कुछ नॉर्मल कर देते जैसे आप देख सकते हो। तो अब एक काम करते हैं, एक बार फटाफट सीधा चलते हैं और अपने अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। और हम जान दो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लैग कर रही होगी, बाकी यहाँ पर हमारा बस विक्टोरिया के मैसेज आया, और मैं बता दूँ ये विक्टोरिया वही है जिससे मैक्स सबसे ज़्यादा चिढ़ती है, मतलब विक्टोरिया सबसे ज़्यादा चिढ़ाती है मैक्स को। बाकी हमारा नया टास्क है पार्किंग लॉट में हमें जाना है, पर यहाँ पर ये क्या हो रहा है भाई, देखो ये जो बॉडी गार्ड है ना, यानी जो गार्ड है बहुत ज़्यादा रूड इंसान है, मतलब हर किसी का बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता है, गार्ड बहुत ज़्यादा बेकार है। अभी अभी मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इनकी बातों के बीच कूदी हुआ फोटो में, तो यहाँ पर मैंने इनकी बातों के बीच कूदने का डिसीजन लिया। और मैं बता दूँ हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मैक्स कुछ, और कुछ ऐसे ही मैक्स कॉलफील्ड कुछ ऐसे ही है उसका पूरा, लेकिन जो उसका पहला नाम है वो है मैक्स। तो यहाँ पर ये गार्ड भाई जो सिक्योरिटी गार्ड है ये बहुत ज्यादा रूड है, मतलब ये हर किसी का बहुत बुरी तरह से बिहेव करता है, किसी को कुछ नहीं समझता अपने आगे, या तक जिस जगह पर ये लोग पढ़ते हैं उसके भागे हेड को भी कुछ नहीं समझते, बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता है। बाकी हमने यहाँ पर अभी इसको बचा तो लिया है और हमने इसकी थोड़ी मदद कर दी, और अभी यहाँ पर हमें बता दिया हमें इससे थोड़ा सा डरना चाहिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये जो ब्लैकवेल यूनिवर्सिटी है, ब्लैकवेल यूनिवर्सिटी इसका नाम है, मुझे नहीं पता इस यूनिवर्सिटी में आखिर क्या चल रहा है क्या हो रहा है, मतलब कोई बच्चे गन स्कूल में गन लेकर आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, और गार्ड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूड बनकर घूम रहे हैं, और मुझे नहीं पता यहाँ पर चल क्या रहा है। बाकी वैसे सच करूँ तो ये हमारी आदत हमारी बहुत गंदी है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी हो रहा होगा हम वहाँ पर अपनी टांग रखते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे बंद कर देना चाहिए और अपने काम से काम रखना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो हर आखिर में कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी दिक्कत होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ सीधा पार्किंग लॉट में, और ये है ब्लैकवेल यूनिवर्सिटी की गार्डन, और हम लोग पार्किंग लॉट में पहुंच चुके हैं। तो यहीं पर पार्किंग लॉट हमें जाना था, ये हमारा टास्क था, मुझे नहीं पता पार्किंग लॉट जाकर हमें क्या करना है, पर हम पार्किंग लॉट फिलहाल आ चुके हैं। बाकी यहाँ पर सामने एक बंदा खड़ा है जिसका नाम वॉरन है, और ये बेसिकली मैक्स का बेस्ट फ्रेंड है, कोई इसको गलत मत समझ लेना, मैक्स ये मैक्स का बेस्ट फ्रेंड है। और यहीं पर मेरे ख्याल से मैं जी थोड़ा थोड़ा मैंने इंट्रो में देखा था, और गेम का जैसे इंट्रो और ओपनिंग दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से गेम की जो ओपनिंग थी उसमें ये सीन दिखा था, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ तो होगा क्योंकि गेम की ओपनिंग में सीन दिखा था। बाकी यहाँ पर एक ये वैनिटी वैन है, और काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, मतलब इसके सीधे को देखो भाई कितनी ज़्यादा धूल जम रखी है, और कोई गलत मत समझ लेना, पर यार पर मैक्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो अभी यहाँ से हम आगे देखते, तो यहाँ पर मैक्स ने यहाँ पर लिखा आई एम सो डर्टी इस वैन के ऊपर, वैसे हाँ बात सही, वैनिटी वैन का जो चीज़ है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल जम रही है। और हमें बताया एक बात बताना भूल गया कि मैक्स जो है वो एक फोटोग्राफर है, वो एक फोटोग्राफर बनना चाहती है, मतलब अभी है नहीं वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहती है, इसके लिए वो ब्लैकवेल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, क्योंकि ब्लैकवेल यूनिवर्सिटी इस पूरे एरिया की एक बेस्ट वो है, सबसे बेस्ट फोटोग्राफी सीखने के लिए एक यूनिवर्सिटी है। बाकी ये है वॉरन जिसकी मैं बात करता हूँ, और इसकी आप कार देख कर समझ ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा पुरानी कार है, और वॉरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो है एक्सट्रोवर्ट है, मतलब आउट्रोवर्ट है, काफ़ी ज़्यादा आउट्रोवर्ट है, और मैक्स जो है वो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की, जबकि वॉरन जो है वो बहुत ज़्यादा आउट्रोवर्ट है। और ये मैक्स की एक आई मीन वॉरन की कार है जो 1978 की, इस बच्चे इतनी ज़्यादा पुरानी लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं मैक्स का नाम बार बार गलत क्यों ले लूँ। बाकी अभी यहाँ पर इन दोनों के बीच काफ़ी बातें चल रही, तो मैं आप लोगों को समझाते जाऊँगा, बाकी जब तक आप चाहो तो म्यूज़िक भी सुन सकते हो, वैसे मैं म्यूज़िक ज़्यादा नहीं प्ले करूँगा, पता चले फिर भी कॉपरेट आ जाए इस वीडियो पर। तो यहाँ पर बेसिकली ये लोग
बातें कर रहे हैं कि विक्टोरिया पर पेंट गिर गया था और इसे वो फोटो देखने के लिए पैसे भी दे देगा। तो हम यहाँ पर पूछते हैं सच में, मतलब भाई एक फोटो देखने के लिए पैसे देने के लिए, वैसे हम फिर भी नहीं दिखाएंगे फोटो, देखो क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो फोटो अभी तक हमारे पास निकल कर आई नहीं है, वो फोटो अभी तक हमारे कैमरे की रील में है। बाकी यहाँ पर हमारी हम वही बातें विक्टोरिया से हम बदले लेते तो हमारी पावर का कमाल था, विक्टोरिया पर वो पेंट करा। ये देखने के लिए आखिर क्या हुआ, तो वो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, वो पूरी आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी लाइफ स्ट्रेंज की। बाकी यहाँ पर हमने एपिसोड 1 पार्ट 2 में डैनियल एक नाम के एक लड़के से अपना पोर्ट्रेट बनवाया था, तो उसने उस पोर्ट्रेट को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा लोग उसको लाइक उस पोर्ट्रेट को लाइक कर रहे हैं। अब ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, वॉरेन बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारा पोर्ट्रेट बना देता अगर तुम कहो तो, पर अभी काम करते हैं, थैंक्स बोल गया, अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम सच को तो इतना कुछ हमारा मूड नहीं है पोर्ट्रेट बनाने का, ना अभी हमारे पास टाइम है। और आप सब सोच रहे मैक्स इंट्रोवर्ट है तो इतने ज्यादा खुलकर बात कैसे करिए, क्योंकि थोड़ी अलग टाइप इंट्रोवर्ट है और बेसिकली यार उसके पास पावर तो कुछ तो थोड़ा सा होगी। बाकी इन लोगों के बीच यहाँ पर अच्छी सी बातें चल रही है और ये कैनियल कोई तो है, कैनियल पता नहीं मुझे नहीं क्या है ये, पर जो भी इसको एक काम करते हैं हम सीन नेट का ऑप्शन दबा कर देखते हैं। और मैं समझ गया शायद से एक मूवी है या इसका कोई और दोस्त है जिसके साथ ये मूवी देखना चाह रहे थे, क्योंकि ये लोग मुझे बातें मूवी देखने की बातें कर रहे थे। भाई ये मैक्स यहाँ पर इसको टीज कर रही है, टीजिंग में मैक्स बहुत ज्यादा माहिर है। अभी एक काम करते हैं, कुछ भी माफ मैंने कर दिया अभी, क्योंकि देखो यार ये जो है इसको मैं पढ़ नहीं सकता, बस समझो मैं पढ़ नहीं सकता इसको, मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है ना ये बोलते हुए, भाई मैं क्या बोलूं। पर जो भी है यार अभी देखते हैं, मूवी नहीं देखते हम आगे देखते हैं कि गेम के अंदर क्या होता है, कोई गलत मत समझ लेना भाई, मैं सच में मुझे बहुत अच्छी आ रही है। बाकी यहाँ पर इन दोनों की अभी बातें चल रही है अच्छे से और सच कुछ, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अभी काम करते हैं पर आई नीड टू टॉक। एक तो अपन सब टाइटल्स भी नहीं पढ़ पा रहे इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, और हाँ मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लैग कर रही होगी, पर देखो ये वीडियो नहीं गेम ही इतना ज्यादा लैग कर रहा है, मतलब काफी ज्यादा गेम लैग कर रहा है। अभी यहाँ पर एक काम करते हैं अभी एक बार से थोड़ी सी हम बातें शेयर करते हैं, ऑब्वियसली बातें देखो ये पावर जो है हमें नहीं पता कि पावर क्या है, कहाँ से आई और आखिर हमें ही क्यों मिली पर हमें मिली। काम करते हैं हम इससे थोड़ा सा ट्राई करने का कोशिश करते हैं, तो शुरुआत यही से हुई थी जहाँ पर हमारे एक ऑफिस हमारे जो वो था एक सर थे प्रोफेसर थे उनकी क्लास में हमें पता चला इस पावर के बारे में, और हमें एक सपना आया था जो एक पूरी मूवी की तरह था जो एपिसोड 1 पार्ट के बारे में एपिसोड 1 पार्ट 1 में था। तो यही है वो लड़का जिसके पास गन थी और यही है मैक्स कॉलफील्ड जो हमें इसका नाम बोल रहा था इसका पूरा नाम, और यही वो लड़की है आई मीन यही वो लड़का है जिसके पास गन है, और इसी लड़के ने मैक्स की बेस्ट फ्रेंड क्लोई को मारा था और यही अब इसको ब्लैकमेल कर रहा है, इसे पूछ रहा है कि टीचर ने इसको क्या बताया। भाई देखो हमने तो सच ही बताया कि एक स्टूडेंट जो है गन लेकर आया और ये बोल रहा है कि नहीं तुमने इसमें बोला है कि ये मेरे पास गन है, इस वजह से उसने मुझे घसीटा। तो देखो यार मुझे नहीं लगता हमने कुछ गलत करा, अभी बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। भाई मुझे सच में नहीं पता क्या हो रहा है क्योंकि स्टोरी टाइप गेम में मुझे स्टोरी टाइप गेम में तुम चाहकर भी ज्यादा कुछ कमेंट्री नहीं कर सकते। भाई यहाँ पर बाकी मेरे ख्याल से अब लड़ाई होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो रहा है। एक काम करते हैं का भी करते ऑप्शन नेथन इसका नाम है इस लड़के का नाम। भाई मतलब ये लड़का जो है वो काफी ज्यादा रूड है, और भाई ये देखो मैं बोल रहा था कि काफी ज्यादा बेकार लड़का है, भाई मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होगा। भाई इसने तो सीधा गर्दन ही पकड़ ली यार, ये गलत है यार, ये बहुत ज्यादा गलत है। भाई कोई नहीं हमारे पास भी नाखून है, हमारे पास एडवांटेज है, भाई फिर भी यार गलती खुद करते यार, ये सजा हमें दे रहे हैं। और यही है वो लड़की जिसकी मैं बात कर रहा था, क्लोई मैक्स की बेस्ट फ्रेंड जिसको मैक्स ने बचाया था, ये क्लोई है। और यही नेथन और क्लोई इन्हीं दोनों के बीच कुछ तो हुआ, सच्चे नेथन ने एक बार उसको मार देते हैं। काम करते भी फिलहाल फटाफट क्लोई के साथ चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं, बाद में देखते हैं। थैंक यू भाई वॉरेन, थैंक यू तेरा तूने अभी हमें यहाँ से जाने का मौका दे दिया, एक बार ना हमारे पास तो मुश्किल होता है। वॉरेन ने यहाँ पर सच में काफी कुछ कर दिया और गार्ड हमेशा गलत टाइम पर आता है। बाकी अभी हम सीधा आ चुके हैं क्लोई की गाड़ी के अंदर और अब हम क्लोई से थोड़ी सी बातें करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि नेथन जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस, और ये दिन भाई मतलब सच में आज का दिन हमारा खराब ही गया है। बाकी यहाँ पर क्लोई थोड़ा सा गुस्सा मैक्स से, क्योंकि भाई 5 साल से मैक्स यहीं पर है और उसने क्लोई को बताया भी नहीं, और अब अगर बेस्ट फ्रेंड है तो भाई ये बहुत ज्यादा गलत है, और इस बात के लिए क्लोई से काफी ज्यादा गुस्सा है। लेकिन फिर भी भाई मैक्स अब थोड़ा सा कुछ तो करेंगे, इस क्लोई को बनाएंगे, मैक्स कुछ तो ऐसा करेगी। और भाई यहाँ पर सच में इसकी सेंस जो है वो बहुत अच्छी, अगर ये नहीं आती तो मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या होता क्या नहीं होता, हो सकता है वो गन से हमें शूट कर देता। एक काम करते तो होपफुल नथिंग करते, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज्यादा कुछ हुआ है। भाई अभी से थोड़ी देर लड़ाई हुई है, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर बहुत ज्यादा कुछ बड़ी लड़ाई होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। भाई वैसे एक बात तो है कि यहाँ पर वॉरेन ने हमारी काफी ज्यादा मदद कर दी, वरना वहाँ पर हम फंस सकते थे। और यहाँ पर हम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में, क्लोई में बता रहे कि हम एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में, और अब हम और प्रॉब्लम्स मोल ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किस प्रॉब्लम की बात कर दी, क्योंकि बेसिकली इस गेम की जब स्टार्टिंग हुई थी उसमें हमें एक स्टॉर्म का सीन दिखाया गया था जहाँ पर सब
कुछ खत्म हो गया था और वहीं से फिर ये पूरा गेम स्टार्ट हुआ था और वो जो सब कुछ गेम वो जो स्टॉर्म था वो था लाइफ इज स्ट्रेंज बिफोर द स्टॉर्म वाले गेम के अंदर और उसकी भी हम सीरीज को बहुत ही जल्दी कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर क्लोई और मैक्स ये तो दोनों ही काफी ज्यादा स्मार्ट है और दोनों ही काफी ज्यादा प्लेगल टाइप की भी है, समझ जाओ बस मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी अगर एक काम करते हैं अफकोर्स का भी करते हैं क्योंकि मैं बोल रहा था भाई ये जो पूरी कंट्री में मैं एरिया में बोल रहा था पूरी कंट्री में ये सबसे ज्यादा बेस्ट वो है बेस्ट फोटोग्राफी यूनिवर्सिटी और बाकी इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्स का फेवरेट टीचर भी सच्चे मैक्स ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। बाकी मैं यहाँ पर भाई अभी एक काम करते हैं आई एम सॉरी बोलते हैं क्योंकि मैं नहीं ज्यादा ज्यादा बात बिगड़े हम अभी यही चाहेंगे कि जितना अच्छा हो सकता है बात है जितने कम प्रॉब्लम हमारे लिए उतना ही अच्छा है। और भाई वैसे सच कहूं तो मैं सिर्फ गेम के सबटाइटल्स पढ़ के तुम लोगों को बताया जा रहा हूं कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा क्योंकि स्टोरी टाइप गेम्स के अंदर तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सिर्फ सबटाइटल्स पढ़ने के अलावा। और बाकी यहां पर कई लाइन ऐसी आ रही है जिन्हें मैं पढ़ भी नहीं सकता ऑब्वियस ही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो तुम सबको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में जो कि होने वाली लाइफ इज स्ट्रेंज एपिसोड 1 पार्ट 4 और वो बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है, उसको मिस मत करना बिल्कुल भी।